तो हमने क्या पढ़ा था? अब देखो यहां पे जो चीज फिक्स रहेगी वो चीज फिक्स क्या रहेगी? डी फिक्स रहेगा। अगर आपका डी एक मान लीजिए ये रेजिस्टर, ये आपका वो पर्टिकुलर गैप आ गया है पीएन जंक्शन में, ठीक है जी। इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम को एलेबोरेट कर देता हूं, वेट फॉर ए सेकेंड। तो ये आपका एन प्लेट है, ये पी प्लेट है, ठीक है जी। तो ये जैसे जैसे आपका पता है ये गैप इंक्रीज होगा, एक मोमेंट ऐसे आएगा जब ये गैप इतना बढ़ जाएगा तो हमारे जो आपके कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये गैप फिक्स हो गया, डेट मीन डी फिक्स हो गया, डी फिक्स हो गया हमारा, डी फिक्स हो गया। तो क्या होगा? डी फिक्स होने से डेट इज ओके, बट हम वी तो हमारे हाथ में है रियोस्टेट, तो हम उसको इंक्रीज कर रहे हैं। अगर वी इंक्रीज कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है क्या? नहीं, मतलब अगर डी एक पर्टिकुलर गैप है जो हमारा इंक्रीज हो रहा है, उसके बाद वी हमारी बढ़ रही है, अगर वी बढ़ रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है। तो इनके अंदर, इतने पर्टिकुलर पार्ट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी बढ़ जाती है, जो भी इनके एटम होते हैं नियर बाय, जो भी इनके इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी बढ़ जाती है, जो भी इनके एटम होते हैं नियर बाय, इट विल आयोनाइज, इट विल आयोनाइज। अगर एटम को आयोनाइज करते हैं, एटम को आयोनाइज करते हैं मतलब क्या है, उसका पॉजिटिव पार्ट अलग कर दें, नेगेटिव पार्ट अलग कर दें, तो अब आयोनाइज करने से क्या है, इलेक्ट्रॉन मिलने लग जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन मिलने लग गए हैं, देयर इज अ बम्बार्डमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड ड्यू टू दैट इलेक्ट्रॉन वी आर गेटिंग द दिस करंट, वी आर गेटिंग द दिस करंट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां से लेके यहां तक जो हमें करंट का और वी का आपस में प्रोपोर्शनल मिल रहा है, ड्यू टू द मेन्योरिटी, दिस मेन्योरिटी फोर चार्ज कैरियर, एंड टेकिंग ओनली द एग्जांपल, दीज आर नॉट हेयर फोर बट देर आर वेरी लेस एज कंपेयर टू द मेजोरिटी, दैट आर द होल इन द केस ऑफ पी। सो आफ्टर दैट एज दीज फोर इलेक्ट्रॉन विल ऑक्यूपाई द फोर होल दैट इन द एन, दैट आर ऑल्सो मेजोरिटी चार्ज कैरियर इन द एन। सो एज वी इंक्रीजिंग द वोल्टेज, सो वट विल हैपन, करंट विल नॉट इंक्रीज, एंड एट सम पॉइंट देयर इज अ ब्रेक डाउन वोल्टेज अकर, एंड दैट पॉइंट ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होती है, जैसे एक हमने ये क्या है पर्टिकुलर गैप है वो इतना बढ़ जाएगा, उसके बाद वो करंट बिल्कुल फ्लो नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, दैट इज ओके, बट हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, अगर वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम टू मच स्ट्रॉन्गर। सो द थिंग दैट इन दिस पोर्शन, द थिंग दैट इज इन दिस पोर्शन विल बी आयोनाइज, अगर आयोनाइज होगी तो इलेक्ट्रॉन, देयर इज अ बम्बार्डमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दैट पार्ट, अगर हमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो वी कैन से करंट फ्लो हो रहा है। एंड आफ्टर दैट, उसके बाद हमें इसमें अगर ये वी आई है, वोल्टेज आपका करंट का ग्राफ है, तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस भी होगा। इन द केस ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग, इफ आई वॉन्ट टू नो द वोल्टेज एट दिस पॉइंट, लेट से मैंने रेजिस्टेंस निकालना है डेल्टा वी बाई डेल्टा आई, तो आई ड्रा सम इंटरवल, तो यहां पे इसके अराउंड में इंटरवल ड्रा करूंगा, डेट विल रिप्रेजेंट डेल्टा वी, इस पॉइंट के अराउंड जितना भी इंटरवल होगा वो हमारा डेल्टा वी बताएगा। इसी तरह अगर इसको मैं इन पॉइंट को मिलाऊंगा तो उसी पॉइंट पे हमारा डेल्टा आई मिल जाएगा, तो डेल्टा वी बाई डेल्टा आई, दैट इज द रेजिस्टेंस इन द केस ऑफ फॉरवर्ड बायस। यहां पे देखिए इस कर्व की शेप, इस कर्व की ये कर्व यहां पे, यहां पे, तो कर्व का जो डेल्टा वी बाय डेल्टा आई है चेंज होता जाएगा, चेंज हो जाता है, चेंज मतलब डेल्टा वी यहां पे अलग है, यहां पे अलग है, यहां पे अलग है, अगर यहां पे अलग है तो उसका डेल्टा आई भी अलग होगा, यहां पे अलग है तो उसका डेल्टा आई भी अलग होगा, तो इसके कारण ये हमारा डेल्टा वी बाय डेल्टा आई वेरी कर दिया जाएगा। उसी अकॉर्डिंगली वी कैन से द रेजिस्टेंस इज, वी कैन से डायनेमिक वन, रेजिस्टेंस डायनेमिक है, ओके। सो इन दिस केस द रेजिस्टेंस इज टू मच लेस एज कम्पेयर टू दिस, बिकॉज हियर इज नो मच करंट इज फ्लोइंग, द रेजिस्टेंस इज फ्यू ओम टू 10 किलो ओम, बट हियर द रेजिस्टेंस इज अप टू 1000 किलो ओम, यहां से फ्यू ओम से लेकर 10 किलो 10 इंटू 10^3 ओम, यहां पे 1000 × 10^3 ओम। तो ये पॉइंट नोट करने वाला, ये पॉइंट आप दिमाग में रखना दोनों का। अब इसके सिंबल पे आइए, सिंबल पे देखिए करंट किधर से किधर फ्लो हो रहा है, करंट हमारा देखिए, करंट हमारा इधर से इधर फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, यहां से हो रहा है। इसीलिए फर्स्ट हमने क्या बनाया, एक एरो हेड बनाया, एरो हेड जिस तरफ फ्लो होता है उसी तरफ बनाते हैं, और यहां पर एक रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, रिस्ट्रिक्शन कहां लगा रखी है, तालो करंट इधर नहीं फ्लो हो रहा, सो ये एक टाइप की रिस्ट्रिक्शन है।
सो करंट यहां फ्लो हो रहा है, यहां नहीं हो रहा, सो वी पुट ए रिस्ट्रिक्शन. सो दिस इज वी आर गेटिंग द सिंबल ऑफ दैट पीएन जंक्शन डायोड. कीप दिस सिंबल इन योर माइंड आल्सो. टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस.